तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 8 GB की पहले से रैम स्टिक लगी हुई है। ये मदरबोर्ड है, इसमें ओनली 2 RAM स्टिक लग सकती है। यहाँ पे अलग से मैंने ये रैम स्टिक मंगवाई है। लेकिन आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना, अगर आप नया पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो आपको ड्यूल चैनल वाली ही रैम लेनी है। ड्यूल चैनल क्या होता है, अगर आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि ड्यूल चैनल क्यों जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पुराना पीसी है उसमें रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा बता दूंगा, मैं ये भी देख लेंगे हम कि रैम चलती है नहीं चलती है। मैंने सेम रैम मंगवाई है, 8 GB की रैम है, सेम फ्रिक्वेंसी है 3000 MHz की, और जो मॉडल नंबर है सेम मॉडल नंबर है। अभी हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, ऑन करके देखते हैं फिर चलता है नहीं है। तो चलिए पहले इसको इस मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं। दोनों रैम स्टिक लगा दिए, अभी ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है नहीं होता। तो आगे देखेंगे हम दोस्तों ये चलती है दोनों रैम एक साथ या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये ड्यूल चैनल नहीं है, अलग अलग हमने रैम खरीदी है। चलिए तो देखते हैं किस तरह से ये चलता है। तो जब भी दोस्तों आप एक एक्स्ट्रा रैम स्टिक अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपको सबसे पहले बायोस में जाना है, बायोस में सेटिंग उसकी चेक कर लेनी है। हो सकता है आपकी रैम वहां पे डिटेक्ट ही ना कर रही हो या आपको कुछ चेंजेज करना पड़े सेटिंग में, तो आपको सबसे पहले बायोस में जाना है। ओके दोस्तों, हम अपनी बायोस सेटिंग में आ चुके हैं। ये मेरा MSI का मदरबोर्ड है, तो MSI का जो बायोस होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CPU के नीचे मेमोरी लिखा है, तो आपको मेमोरी पे क्लिक करना है अगर आपका MSI का मदरबोर्ड है। तो मेमोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड पे आपको करंट DRAM फ्रिक्वेंसी दिख रही है 2666 MHz की, और करंट DRAM जो साइज दिख रहा है वो है 16 GB का, यानी हमारी जो रैम है वो डिटेक्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग में जाएंगे तो ओवरक्लॉकिंग देखेंगे या ऑटो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी जो है ऑटो में है, तो इसने 2666 MHz की जो फ्रिक्वेंसी है वो सिलेक्ट कर लिया। तो मेरे को इसको मैनुअली करना है ताकि ये बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसमें 2666 मैंने मैनुअली सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। दोनों में 2666 MHz की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो स्टेबल रहेगी। तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे 2666 MHz जैसे पहले बता रहा था वैसे बता रहा है। और बाकी आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे F10 प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव कर दिया, अभी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों कोई दिक्कत ना आए, रैम नहीं चलेगी प्रॉपर तो 3200 का जो खर्चों का वो बिल्कुल बेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है तो टू स्किप डिस्क चेकिंग, अगर आप डिस्क चेकिंग ये कर रहा है विंडो तो इसको स्किप करना चाहते हो, कोई एनी की प्रेस करे तो हम रहने देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे डिस्क चेक कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लॉग इन स्क्रीन आ रही है, पासवर्ड डाल के लॉग इन हो जाते हैं। फिर चेक करते हैं दोस्तों, अभी हमारा डेस्कटॉप में आ गया, अभी चेक कर लेते हैं कि मेमोरी वहाँ पे शो करती है नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में जाते हैं कंप्यूटर के, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी 16 GB की यहाँ पे शो कर रहा है, 15.9 GB यूजेबल है। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल के लिए तो परफेक्टली काम कर रहा है कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन फ्यूचर में पता चलेगा कि कोई दिक्कत आती है या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो अच्छा चल रहा है। अगर आप नया PC बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे सुजेशन दूंगा कि आप ड्यूल चैनल रैम के साथ ही जाए। दोस्तों ड्यूल चैनल रैम जो होती है वो सिंगल चैनल से थोड़ी महंगी पड़ती है, जैसे मेरे को 3000-6000 में रैम पड़नी थी दोनों, अगर मैं सिंगल सिंगल लेता। अगर ड्यूल चैनल लेता तो वही 8 से 10 हज़ार में लेती है। दोस्तों उस रैम में टेस्टिंग की गई होती है कि क्या ये दोनों रैम एक साथ चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो इसके लिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और दोस्तों आपको जो रैम की कंपनी होती है वो वारंटी भी देती है ड्यूल चैनल में, अगर कोई रैम खराब होती है तो आपको रिप्लेसमेंट में मिल जाती है। तो इस केस में दोस्तों ड्यूल चैनल लेनी चाहिए अगर आप एक नया PC बिल्ड करने वाले हैं। अगर आपके पास पुराना PC है और आप उसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, रैम में एक और स्टिक लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने भी बहुत रिसर्च की हुई है इसके बारे में, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको नहीं लगानी चाहिए, उस रैम को छोड़ के ड्यूल चैनल लेना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों वो बहुत खर्चा हो जाता है, अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा कि ऐसा करो। अगर आपके पास पहले से एक स्टिक है तो आप सेम मॉडल की सेम जैसे 8 GB की जो मॉडल है उसी मॉडल का वो 8 GB वाला वर्जन आप लें रैम का, और दोनों को इंस्टॉल करें, वो परफेक्टली चलेगा। जैसे मैंने सेटिंग बताई बायोस की सेटिंग देख लेनी है आपको, आपका मदरबोर्ड कितना सपोर्ट करता है और आपकी रैम फ्रिक्वेंसी क्या है और वहाँ पे क्या शो कर रही है, उससे हिसाब से आपको मैनुअली सिलेक्ट करना। कभी क्या होता है कि जब आप ऑटो करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी अप डाउन हो सकती है कभी भी यूजेबल के हिसाब से, तो आपको जितनी फ्रिक्वेंसी तक की रैम जो आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है या उससे थोड़ा सा कम रखो या उसके बराबर रखो, तो उस तरह से आपको सेटिंग करनी है। उसके बाद आप अपना
काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप रैम में अच्छे से चलेगी, काफी अच्छे प्राइस में रैम मिल रही है आपको। तो अगर आप वाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप वाई कर सकते हैं, क्योंकि 3200 में रैम मिल रही है। दोस्तों जब मैंने ये पीसी बिल्ड किया था तो मेरे को ये रैम 5000 में मिली थी, आप देख सकते हैं 1800 का प्राइस गैप देखने को मिल रहा है ये 2-3 महीनों में। तो मैंने लगभग 2-3 महीने पहले ये पीसी बिल्ड किया था, तो 2-3 महीनों में एक रैम का प्राइस कहाँ पे पहुंच गया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगर रैम लेना चाहते हैं तो काफी अच्छा समय है, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस रैम को वाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।